हेलो फ्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नई चीज लेके आई हूँ एक बहुत ही कॉमन एरर जो हम सभी करते हैं हमारे यू नो स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में तो वो एक कौन सा एरर है और वो एरर को हमें कैसे सुधारना है आज हम यही जानेंगे तो आप देख सकते हैं okay? स्क्रीन पे क्या कह रहा है स्क्रीन क्या कह रहा है ये सेंटेंस कह रहा है कि एवरी वन देयर और हिज और हर मदर क्या सही है इसमें हमारे पास एवरी वन है यहाँ पे तो हम देर प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे देर लगाएंगे या हिज और हर लगाएंगे क्योंकि तो एक ऐसा एरर है जो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ओके तो ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको मिलेगा Okay, तो बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें कि क्या सही है और क्या गलत ठीक है तो आइए जानते हैं इस एरर के बारे में और भी तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ओके okay, तो कॉन्स कॉन्सेप्ट का नाम है इनडेफिनेट प्रोनाउंस अब ये इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है ओके okay, ये जितने भी शब्द है ना एवरी वन समी बडी एनी बडी ओके okay, ये सब देख रहे हैं ना इच वन एवरी वन एवरी स्पेस वन एवरी बॉडी एनी वन एनी समवन समबॉडी ये सारे प्रोनाउन्स को हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन ये सारे शब्द पहले तो प्रोनाउन है ये समझ लें ओके okay, क्योंकि वो नाउन के जगह पे आता है ओके okay, एंड इनको हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन अब इनडेफिनेट शब्द का क्या मतलब होता है वॉट यू मीन बाय द वर्ड इनडेफिनेट इनडेफिनेट मतलब मैं जब कोई डेफिनेट बंधे की बात नहीं कर रही हूँ जैसे मैं कहूँ कि हे समवन प्लीज हेल्प मी विद अ ग्लास ऑफ वॉटर समवन मतलब आप कोई भी कोई भी यू you नो know, मुझे ग्लास पानी पिला दे बस ओके एनी वन कैन यू नो स्विच ऑन द लाइट्स मतलब कोई भी लाइट्स uh, को स्विच ऑन कर दे तो मतलब कोई भी एक डेफिनेट बंधे की बात नहीं कर रहे हैं हम कोई भी मतलब यू नो एनी वन सो so ये जो भी एनी वन है सम वन है एवरी वन है इसमें क्योंकि हम किसी डेफिनेट बंदे की बात नहीं कर रहे होते हैं तो हम इनडेफिनेट बंदे की बात कर रहे होते हैं कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं मतलब इनडेफिनेट और इसीलिए इसका नाम है इनडेफिनेट प्रोनाउन ठीक है अब दूसरी चीज जो आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जाननी चाहिए वो ये है कि जो शब्द होते हैं ना एवरी ये जो एवरी है एवरी है ये सारे जो भी शब्द है ना उसको हमेशा प्लोरल कंसिडर किया जाता है हम हमेशा समझते हैं कि ये प्लोरल है क्योंकि क्यों प्लोरल है क्योंकि एवरी वन मतलब एक से ज्यादा ही होगा है ना बट इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है उसको हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है और इसीलिए वो हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लेता है ओके okay, तो जैसे ये एग्जाम्पल देखिए एवरी वन इन दिस डिपार्टमेंट आर टेकिंग द प्रमोशन टेस्ट मैं नहीं बोलूंगी क्यों नहीं बोलूंगी क्योंकि एवरी वन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है और इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब लेता है तो वॉज सॉरी इसकी जगह पे आर नहीं आएगा आर नहीं आएगा क्या आएगा इज आएगा और इज क्यों आएगा बिकॉज एवरी वन जो सब्जेक्ट है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है और इनडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेता है ये बात बहुत ध्यान में बिठा लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा सेंटेंस देखिए एवरी वन इन दिस डिपार्टमेंट डैश एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन तो इसमें भी अगर आपको इज और आर का चॉइस दिया जाए तो आप इज ही मार्क करेंगे क्यों ये दूसरा शब्द है एवरी स्पेस वन है यहाँ पे यहाँ पे एवरी वन एक साथ में था और यहाँ पे एवरी स्पेस वन है बट दोनों का मतलब अलग होता है बहुत ही जल्द में एक वीडियो रिलीज करूंगी जिसमें मैं एवरी वन विदाउट स्पेस एंड एवरी वन विद स्पेस ये दोनों का डिफरेंस आपको समझाऊंगी तो अगले वीडियो में बट इस वीडियो में आप सिर्फ इसी ये ही समझिए कि क्योंकि एवरी वन इनडेफिनेट प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है इसीलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा इज आएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ सेंटेंसेस हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स ताकि आपके आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो यहाँ पे मैं एक और चीज बता दू आपको कि जैसे हमने समझा कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं ईच वन एवरी एवरीबॉडी एक्सेट्रा ये सारे जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं उसके साथ ये जो ईदर है ना ईदर जो शब्द है और नीदर जो शब्द है वो भी हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है ओके okay. हमेशा सिंगुलर इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा हमेशा ठीक है तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ईधर के ऊपर ही बेस्ड है ओके okay? तो ही आस्क्ड मी वेदर ईधर ऑफ द कैंडिडेट्स डैश सूटेबल तो आप देखोगे जो कैंडिडेट्स है ये तो प्लोरल है कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे प्लोरल है पर फिर भी मैं यहाँ पे जो जवाब लिखूंगी वो जवाब होगा एक सिंगुलर वर्ब वॉज इज द करेक्ट आंसर वॉर वॉज करेक्ट है वर करेक्ट नहीं है क्यों करेक्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन ईदर है यहाँ पे ईदर है और ईदर ईदर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा हमेशा याद रखना फ्रेंड्स ये गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है ये बहुत बड़ी गलती है दूसरा है, तो ईदर है इनडेफिनिट सिंग्यूलर वर्ब हमेशा याद रखना ईधर है तो सिंग्यूलर वर्ब दूसरा दूसरा देख लीजिए इच ऑफ दीज के पहले हम हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा है ईच और ईच का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंग्यूलर एंड प्लोरल नहीं तो आर इनकरेक्ट है यहाँ पे इस दो सब्जेक्ट है, है, है पर इन दोनों से पहले एक शब्द लगा है वो है एवरी और एवरी क्या है एवरी है इनडेफिनि प्रोनाउन और इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा माय फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब ही लेगा तो स्कूल में हमको ये पढ़ाया जाता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है पर उसको सेंटेंस में सही तरीके से यूज कैसे करना है वो हमें नहीं बताया जाता ओके okay? या बहुत कम आई डोंट नो कितने लोगों को ये बारे में पता है क्योंकि मैं बहुत अगर बताया जाता तो लोग इस तरह की गलतियां नहीं करते ओके okay? तो कहीं ना कहीं उनका वो वो लर्निंग में गैप है जिनकी वजह से उनको पता शायद पता हो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है पर उसका सही तरीका क्या है यूज करने करने का ओके okay? उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है कौन सा प्रोनाउन लगता है ओके okay? ये सारी चीजें उनको नहीं पता होती है और जिसके वजह से इंग्लिश में एरर्स आ जाते हैं ठीक है तो आई एम श्योर कि ये वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ गया कि एक तो इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है और वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है एक सिंगुलर वर्ब लेता है ओके सो एवरी मेल एंड एवरी फीमेल हम यहाँ पे प्लोरल नहीं लेंगे बट हम सिंगुलर ही लेंगे और उसका जवाब होगा हैज एन इक्वल राइट टू वोट नॉट देखिए, इस सेंटेंस में नीदर है तो हमने अभी पढ़ा था ईदर हो या नीदर हो हमेशा हम उसको क्या ट्रीट करेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे ईदर ऑफ द टू विमेन डैश वी तो भले हम दो विमेन की यहाँ पे बात कर रहे हैं पर हमारे पास नीदर है तो हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे जो है वॉस ठीक है फ्रेंड्स अब आते हैं इसी सेंटेंस पे जहां पे हमने पूरे वीडियो की शुरुआत की थी ओके okay? आपने ये जाना इस वीडियो में कि एक तो एवरी क्या है इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंग्यूलर और क्योंकि ये है वर्ब जो होगा वो भी सिंग्युलर होगा तो लव्स इज अंगर वर्ब यहाँ पे बट वॉट अबाउट द प्रोनाउन अब यहाँ पे देर आना चाहिए या हिज और हर आना चाहिए क्योंकि सब कुछ ही सिंग्यूलर है एवरी वन सिंग्यूलर वर्ब सिंग्यूलर तो प्रोनाउन हम प्लोरल कैसे ले सकते हैं प्रोनाउन देर तो प्लॉरल है इसको हम कैसे ले सकते हैं हमें सिंगुलर प्रोनाउन ही लेना होगा देर इज इनकरेक्ट इज और हर इज करेक्ट ओके सो मैं हमेशा कहूंगी एवरी वन लव हिज और हर मदर ओके सो एवरी वन के साथ देर कभी नहीं लगता क्या लगता है हिज और हर लगता है

सब्सक्राइब करें और ये जो भी गलतियां आप अपनी रोज़ की इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश रिटन इंग्लिश में करते हैं वो ना करें ओके okay, फ्रेंड्स तो मेरे साथ बने रहिए और मैं ऐसा ही यू you नो know, कोई ना कोई कंटेंट लाती रहूंगी जो बहुत हेल्पफुल होगा वैल्यूबल होगा आपके डेली इंग्लिश के लिए वैल्यूबल होगा ओके फ्रेंड्स यू सून थैंक यू